अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है और तलबा अक्सर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए उसकी रैंकिंग को ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं। पाकिस्तान में 2015 तक HEC की तरफ से पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की जाती थी। HEC की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता था। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की अलग रैंकिंग होती थी, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की अलग, इसी तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, फाइन आर्ट्स की यूनिवर्सिटीज़ और बिजनेस स्टडीज़ की यूनिवर्सिटीज़ की अलग से रैंकिंग हुआ करती थी। HEC पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग किया करती थी और स्टूडेंट्स को इससे अच्छी खासी रहनुमाई मिल जाती थी कि किसी भी कैटेगरी में पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। लेकिन 2015 के बाद HEC की तरफ से रैंकिंग का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अब सिर्फ इंटरनेशनल रैंकिंग्स के ऊपर ही इन्हसार करना पड़ा। इंटरनेशनल रैंकिंग्स में दो सबसे बड़ी और मशहूर रैंकिंग्स हैं, जिनमें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग शामिल हैं। तो अब पंजाब हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि पंजाब भर की तमाम गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की जाएगी, जिससे तलबा को एडमिशन लेते वक्त यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जांचने में बहुत मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने पहली बार सूबे की सरकारी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग करने का फैसला कर लिया है। सरकारी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग के लिए 100 नंबर मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब हुकूमत गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की कारकर्दगी की बुनियाद पर बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी दिया करेगी। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के लिए मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। यूनिवर्सिटियों को 2010 से पहले और उसके बाद में कायम होने पर कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया है। यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में 100 नंबरों को इस तरीके से तरतीब दिया गया है कि जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की दर्जाबंदी रिसर्च इनोवेशन, गवर्नेंस और मैनेजमेंट के मुताबिक की जाएगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से शायाशुदा तहकीकी मकालाजात, फैकल्टी डेवलपमेंट और इंटरनेशनलाइजेशन के नंबर भी दिए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने 5 साल से यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी नहीं की है और अब पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब भर की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग शाया किया करेगी। पंजाब हुकूमत का पहली बार सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करने का फैसला। बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड के लिए रैंकिंग का मैकेनिज्म तश्कील दे दिया गया है और HEC की जानिब से रैंकिंग बंद होने के बाद पहली बार पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ की दर्जाबंदी की जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से पहली बार सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करने का फैसला किया गया है। बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड के लिए रैंकिंग का मैकेनिज्म तश्कील दे दिया गया। HEC की जानिब से रैंकिंग बंद होने के बाद पहली बार पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ की दर्जाबंदी की जाएगी। हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी फील्ड से मुतालिक बेहतर से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लें और HEC की तरफ से 2015 के बाद यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग शाया ना करने की वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी रहती थी। लेकिन अब इस सिलसिले में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी रहेगी कि वो जिस शोबे से भी बिलोंग करते हैं उसकी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की पूरी कोशिश करें। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग फ़िलहाल जारी नहीं की गई हैं, लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की जाती है तो इस चैनल पर वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी।